चांद पर भी भूत परेशानी के बारे में धारणा प्राप्त है। 1999 में घटना हुई। हेलोंगजियांग प्रांत के सुईहुआ शहर के सानहे गांव में लीपिंग रात को हमेशा ठीक से सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पति गांव में तरबूज बेचने गए थे और अब तक लौटे नहीं थे। कुछ दिन पहले फिरायादी को चिता दी गई थी। पुलिस को कई दिनों से रिपोर्ट कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मरा हुआ नहीं मिल रहा है, जिंदा नहीं मिल रहा है। सातवें दिन लीपिंग ने सपने में एक आवाज सुनी जो उससे जागने के लिए कह रही थी हो, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर को नहीं हिला सकती थी। वह केवल अपनी आंखें थोड़ी खोलकर देख पाई। एक आदमी खड़ा हो गया। देखा, क्या यह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं था जिसने उनको ले गया था? वह पूरे शरीर से भीगी हुई था। कंप कंपी के साथ शांत ने बोला, ठंड है। व्यक्ति ने कहा कि उसे किसी ने मार डाला और उसे पहाड़ी के नीचे स्थित जलाशय में फेंक दिया है। उसने लीपिंग से खुद को जल्दी ढूंढने को कहा। लीपिंग को अपने पति के रूप के डर से एक झटका लगा और वह आखिरकार बिस्तर से उठ गई। उससे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन उसके सिर का सामान गायब हो गया। अरे भगवान, लीपिंग ने थाने आकर अपने कल रात के रहस्यमय अनुभव को पुलिस कर्मियों से साझा किया।